This conference will now be recorded. तो आज के हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं लूप, VBA माइक्रो पावर प्रोग्रामिंग का लूप, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि VBA जो है उसकी दो मेन चीज है, पहले कंडीशंस जो कि हम पढ़ चुके हैं, और दूसरा लूप इट मींस रिपीटेशंस। तो चलिए लूप को हम समझते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि लूप का इस्तेमाल होता क्या है। एक छोटा सा हम डेटा बनाते हैं, छोटा सा स्टिकर मान लीजिए हमने बनाया। अब मुझे इसकी प्रिंट आउट लेनी पड़ती है कॉपीज में। तो अगर एक पेज पे लूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। पांच कॉपी है, इसको हम एक के नीचे पांच बार कॉपी पेस्ट कर देते, ठीक है सर, कि इसको हमने लिया और इसको कॉपी करके एक के नीचे एक एक रो छोड़ के पांच बार कॉपी पेस्ट कर दी। तो दिक्कत होती है कि पांच बार चलो कर दी, लेकिन इसी चीज को VBA के थ्रू करना चाहते हैं, क्योंकि हमें पांच नहीं, हमें 50, 60, 10, 20 ऐसे आते हैं और हर बार पता नहीं कितना है, तो हमें कॉपी पेस्ट करवाना है। तो सबसे पहले हम VBA बेसिक पे जाते हैं और एक नया मॉड्यूल को ऐड करते हैं, सब्जेक्ट और कॉपी के नाम से हमने बनाया। अब यहां पे देता हूं फॉर्मूला की फोर आई इक्वल टू चले, तो फोर को बाद में करके पहले देता हूं रेंज A1 से, जो हमारा A1 है, A1 से लेके C6 डॉट कॉपी। और हमें पेज कहाँ करना है, हमें पेज करना है सबसे नीचे जाके यहाँ। तो हम यहाँ पे डायनेमिक मेथड अपनाते हैं, हम कहते हैं कि रेंज A65000 डॉट एंड एक्सेलेस आप डॉट ऑफसेट, और यहां पे हम करते हैं 2,0। और 2,0 क्यों के, क्योंकि मुझे एक रो ब्लैंक चाहिए, ठीक है सर, करेक्ट। हम वन करते तो फिर इसी के यहाँ यही पे सटा के पेस्ट कर देता, लेकिन मुझे एक रो सेपरेटर में चाहिए यहाँ, करेक्ट, हमें 2 किया पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे एक देखिए कि मुझे इसको 3 बार चाहिए, तो हमें कॉपी 3 बार करने की जरूरत नहीं है, राइट सर, कॉपी हम एक बार करके 3 बार जगह पेस्ट कर सकते हैं ना। तो हमने इसको कॉपी किया और एक कोड को 3 बार पेस्ट कर दिया, तो पेस्ट स्पेशल मेरा आप देखेंगे कि 3 बार होगा, और 3 बार तो हमने कोड को रिपीट कर दिया ना। अब यही पे हमारी प्रॉब्लम आती है कि मुझे 30 बार करना है, तो क्या कोड को 30 बार नीचे एक के नीचे नीचे करना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूं इस कोड को रिपीट करना अपने हिसाब। अब यहाँ पे लूप में एक चीज डालना जरूरी है कि आखिर रिपीट किस कोड को करना है, हमें इसको रिपीट नहीं करना है, हम इसको भी रिपीट कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी ना कि खामखा हर बार कॉपी होगा। तो आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है रिपीटेड लाइन, किस लाइन को रिपीट करना है, तो मुझे इस लाइन को रिपीट करना है। अब कितना बार करना है, तो 10 बार करना है, तो गिनती 1 से स्टार्ट होगी और 10 तक जाएगी। तो यहाँ पे हमने फोर लूप लगाया कि फोर आई इक्वल टू चले 1 to 10, और यहाँ नेक्स्ट के अंदर में हमने आई का फोर का काम क्या है कि इसके अंदर जो लाइनिंग है उसको रिपीट करना कितना बार, जितना बार एज दिया गया है, ठीक है, ओके। अब इसमें आई क्या करता है, आई एक काउंटर है जो कि अपने अंदर काउंट रखता है कि कितना बार रिपीट हो चुका है।
ताकि नेक्स्ट जो है मैच करेगा कि आई के ऊपर द स्टोर रिपीटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन 10, तो लूप को खत्म करना है, नहीं तो इस लूप को कंटिन्यू रखना है। समझ गए? ओके, तो हम इसको रन करेंगे तो 10 बार कर देगा। अगर आप लोग और डायनेमिक करना चाहते हैं कि भाई मुझे नहीं पता है 10, कभी 10 होता है, कभी 20 होता है, कभी 50 होता है, तो यहां पे हम इनपुट बॉक्स लगा देते हैं, इनपुट बॉक्स, और यहां दे देते हैं कि एंटर नंबर, राइट सर। तो जैसे हम इसको रन करेंगे मुझसे पूछेगा नंबर ऑफ टाइम, हमने बोला 5, ये 5 बार कॉपी पेस्ट कर, क्लियर है? हाँ क्लियर। लूप का बेसिक फंडामेंटल समझ में आया? हम समझा कि वो अपने अंदर ये फोर और नेक्स्ट के बीच में जितने भी लाइनें होगा उसको उतना बार रिपीट करेगा जितना बार आपने दिया हुआ। अब जरूरी नहीं क्या वन से स्टार्ट होगा, यहाँ पे 10 to 20 भी हो सकता है, ठीक है? अब फोर लूप के बारे में, लूप के बारे में समझिए, लूप के टाइप्स के बारे में समझिए। लूप बेसिकली दो प्रकार का होता है, डू लूप, फोर लूप एंड डू लूप। फोर लूप के भी दो पार्ट होते हैं, फोर इच एंड फोर आई। तो फोर आई में देते हैं स्टार्टिंग 1 to 100 जो भी देना होता है, और इच के अंदर में देते हैं सिलेक्शन या सीट या वर्क। अब देखिए भाई जो सिलेक्टेड सीट है उतने बार लूप चले, जितनी सीट से उतने बार चले, सिलेक्टेड सेल भर चले, एक ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलता है। एंड डू लूप के भी दो पार्ट है, वो है एक वाइल और दूसरा है अंटिल। दोनों का काम रिपीटेशन है, लेकिन रिपीट कब और कितना करेगा, कब तक करेगा, वो यहां पे डिफाइन किया गया है। तो डू वाइल और डू अंटिल का यूज होता है कंडीशन के ऊपर रन करता है, जैसे कि जब तक कॉलन ए में डेटा मिलता रहे तब तक चलता रहे, जब तक फोल्डर के अंदर फाइल तो तब तक चलता रहे, जब तक सीट हमारा पॉपअप हो, जब तक फाइल एक्टिवेट हो, जब तक हमारा इंटरनेट का पेज लोड न हो जाए, तो उसकी क्या है टाइम्स रिपीट डिफाइन नहीं है कि भाई एक बार होगा, 10 बार होगा या 10,000 बार होगा। वो एक कंडीशन को फुलफिल करेगा तो चलेगा, अदरवाइज स्टॉप होगा। तो ये हमारे लूप के टाइप है। तो हम वन बाय वन डिस्कशन करेंगे, हम बात कर रहे हैं फोर आई के बारे में। तो फोर आई में आपने देखा एक तरह से कि किस तरह से हमने एक लाइन को रिपीट किया और हमने यहाँ आई को काउंटर के रूप में बना। अब चलिए एक सिंपल सा और करते हैं, जहां आई को और ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे। सीट थ्री के ऊपर मुझे 1 से लेकर 100 तक का नंबर लिखना है। इसके लिए एक मैक्रो बनाते हैं, लूप नाम का नहीं हो सकता, लूप इसको मतलब दिखा, ठीक है। अब यहां पे ऐसे बोलते हैं, हेलो एक कॉल आया। ओके ओके, अब यहाँ पे कह रहे हैं 4i इक्वल टू चले 1 to 100, 1 to 100 100 चले। और यहां पे नेक्स्ट, अब इसमें एक काम हम कर सकते हैं कि मैं यहां पे एक वेरिएबल लेता हूं कि डिम आर एज ए इंटीजर,
ठीक है। ओके अब ऐसा क्यों किया, हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पे हमने, क्योंकि यहाँ पे हमने बोला कि आर इक्वल टू चले आर प्लस वन, और फिर हमने दिया रेंज ए के साथ हमने आई को कंबाइन किया और डॉट वैल्यू आई देंगे, तो यहाँ पे आर को माफ किया, आर को कंबाइन किया वैल्यू इज इक्वल टू आर। अब ये कैसा क्यों किया, अब इस चीज को समझिए, समझिए क्लास ले रहा था, क्लास के बाद कॉल कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे हम ए के साथ आरोप किया, और इसको देखिए प्रोसीजर करते हैं, प्रोसीड करते हैं, मैं यहाँ पे डिवर्ग में आपके साथ स्टेप इनको होता है, तो इसको वन बाय वन रन करते हैं, ठीक है। ओके तो यहाँ देखिए आर क्या था, आर जीरो है ना सर, तो जीरो प्लस वन क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, आर वन हो गया। अब ए के साथ हमने आर को कंबाइन किया तो क्या हो जाएगा, ए वन, एवं ए वन की वैल्यू क्या हो गई, वन। अब आई ने चेक किया, अब यहाँ आई भी क्या कर रहा है, आई भी वही कर रहा है जो यहाँ पे आपका आर कर रहा है, कि अपने अंदर एक वैल्यू स्टोर करता है। तो आई इक्वल टू वन हुआ मतलब कि एक बार वो चल चुका है, ठीक है। ओके फिर नेक्स्ट क्या करेगा, आई को चेक करेगा कि आई पे दी गई वैल्यू इसके मैक्सिमम वैल्यू के बराबर तो नहीं है, नहीं है, छोटा है, तो फिर वापस रन करेगा। इस बार देखिए क्या होगा, आर वन प्लस वन इक्वल टू टू हो जाएगा, टू आ ना सर। तो अब ये टू की वैल्यू टू हो गई, और यहाँ आई भी देखिए टू हो गया, थ्री फोर फाइव सिक्स, इसी प्रोसीजर को फॉलो करेगा। अब यहाँ देखिए कि आर इक्वल टू आर प्लस वन हमने क्यों किया, ताकि हमें सिक्वेंसली ए वन बी वन सी वन डी वन मिलता रहे। यहाँ पे ए सिक्स मिल गया ना सर आपको, देखिए है ना सिक्स मिल रहा होगा, तो कंटिन्यूस इस तरह से मिलता रहे। तो हमारा आर का काम आई भी कर सकता है, क्योंकि आई भी वही काम कर रहा है जो आर कर रहा है, अपने अंदर वैल्यू को स्टोर करता है, हर बार एक को इंक्रीज करता है, ठीक है। ओके तो हमने क्या किया कि यहां से आर को हटा दिया और आर के जगह पे हम आई ले, और यहां भी आई ले, ठीक है। अब इसको रन करते, अब यहां देखिए 100 पर आ गया, ठीक है सर। जी ऐसे मान लीजिए कि मेरे पास 10 या 20 या 25 या 30 सीट्स हैं, अब मैं चाहता हूँ हर सीट का नाम चेंज हो जाए। यहाँ पे लूप अंडरस्कोर टू, अब मैं यहाँ पे करता हूँ कि फोर आई इक्वल टू चले वन टू, अब यहाँ पे क्या है, कितने सीट है, 8 सीट है, वन टू एट, राइट। और मैं हर सीट का नाम एक बार तो चेंज नहीं कर सकता, इसलिए मुझे इसको लूप में डालना पड़ा। तो यहां पर करेंगे सीट्स, सीट्स में डालेंगे आई डॉट नेम इक्वल टू डेटा वन, ठीक है। हेलो, तो वन, अब यहाँ पे क्या है कि एक सीट का सीक्वेंस नंबर, जब मैं सीट हैंडलिंग आपको सिखाया था तो उसमें बताया था कि हम नेम से भी ले सकते हैं और इसके अंदर सीक्वल नंबर से भी ले सकते हैं। ये पहली बार में हमारा वन होगा तो पहली सीट का नाम, दूसरी सीट का, थ्री होगा तीसरी सीट का, तो कंटिन्यू चले, ठीक है सर। लेकिन मुझे इसमें सीट को ऑटोमेट करना है, तो इस एट को हटा के मैं लिख देता हूं कि सीट्स डॉट काउंट,
सीट्स डॉट काउंट। क्लियर है सर? अब इसको एक बार रन करता हूं, ये देखिए शीट के नाम आपको। तो कहने मतलब है कि आपकी जो भी लाइनिंग को रिपीट करना है उसको इसके अंदर डालिए, और कहीं भी सिक्वेंसली आपको एड्रेस वगैरह को मैनेज करना है, तो सिक्वेंस नंबर चाहिए आपको हर बार नया, तो आप आई का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ रेंज के लिए किया है और यहाँ हमने आई के लिए किया है। क्लियर है? क्लियर है। तो लूप की बेसिक कंसेप्ट हमें समझ में आ गई होगी, बेसिक्स को समझ गया जी। अब ये कुछ दूसरी फायदे पर काम करते हैं। मैं एक फाइल ओपन करता हूं, क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं इससे रिलेटेड, ठीक है, उसको आपको सॉल्व करना है। क्लियर सर? ओके। ये क्वेश्चन मोस्टली आपके ऑफिस एनवायरनमेंट से भी मिलता जुलता है, और इसको आपने कर लिया तो आप अपने सारे इस पे अच्छा खासा कमांड है। तो जैसे कि आपके सामने है एक क्वेश्चन नंबर 1 कि क्वांटिटी अगर ग्रेटर देन 60 है तो कमीशन क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 40 हो। इसको इफ, इसको इसके साथ भी करना है एंड विदाउट यूजिंग द इफ करना है, ठीक है? विदाउट इफ कर रहे हैं, इफ भी करना है विदाउट इफ भी करना है, दोनों करना है। ओके। दूसरा कंडीशन यह है, इसमें एक्सेल फॉर्मूला लगा हुआ है, देखिए कि अगर मार्क्स इज ग्रेटर देन 40 देन रिजल्ट पास, अदरवाइज फेल। क्वेश्चन नंबर 3 है कि अगर डिस्टेंस ग्रेटर देन 200 हुआ तो स्टडी, अदरवाइज लोकल। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि अगर एमआरपी इज ग्रेटर देन 500 तो टैक्स एमआरपी का 12% होगा या फिर 5% होगा। अगर ये टाइम जो है 10 मिनट से ऊपर की है तो ओटी आना चाहिए और नो अदरवाइज एंट्री आना चाहिए। सारे सब्जेक्ट का रिजल्ट अगर ग्रेटर देन 33 है तो इसको पास होना चाहिए, अदरवाइज फेल आना चाहिए। इसमें आप एंड का यूज करेंगे और विदाउट एंड भी करेंगे, ठीक है सर? क्वेश्चन नंबर 7, इसमें ग्रेड देना है कि ग्रेटर देन 40 तो सी, 40 टू 60 तो बी, 60 टू 90 तो ए, ग्रेटर देन 90 तो ए प्लस। और सेम हम इसका इंसेंटिव भी हमारा है, यहाँ पे देखिए कि 5 टू 40 वाला 700, 1000, 2000, 5000 इसके देने, और साथ में एक एडिशनल एडोल इंसेंटिव है जो कि है 85 टू 95 हुआ तो 800 देना है, क्योंकि आपको यहाँ पे एक्सेल फॉर्मूले से बना हुआ है, आपको माइक्रोस बनाना है। एक्सेल फॉर्मूला मैंने इसलिए छोड़ दिया ताकि आपको समझने में आसानी होगी। अब यहाँ पे है कि अगर यहाँ पे क्या है कि पैन नंबर और इसमें से कोई एक दो डॉक्यूमेंट चाहिए, पैन नंबर तो चाहिए ही चाहिए, इन दोनों में से हमें एक चाहिए तो रिजल्ट ओके हो, अदरवाइज पेंडिंग हो। क्वेश्चन नंबर 10 जो है एक स्लैब इंसेंटिव है, ठीक है सर? जैसे किसी ने 0 से 40 सेल किया तो हम 20 रुपीज पर पीस के हिसाब से देंगे, 41 से 80 में 60 और इस तरह से और भी दिया गया। मतलब किसी ने अगर 35 सेल किया तो मैं 35 इंटू 20 दे दूंगा, लेकिन किसी ने अगर सेल किया 45 तो उसको मैं 20, 40 जो है 20 रुपए के हिसाब से दूंगा और 5 दूंगा 60 रुपए के हिसाब से, इस तरह से नीचे भी स्लैब दिया हुआ है। 10 को कर लीजिए, 11 क्वेश्चन हम आपको खुद बताएंगे, इसको याद रखिए।
10 क्वेश्चंस करके भेज दीजिए, फिर कल सुबह इसमें से दो दो क्वेश्चंस आपसे नहीं बनेगा उस पर हम डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। ओके उसके बाद फिर हम लूप में आगे एडवांस लूप और नेस्टेड लूप की तरफ बढ़ेंगे। आपकी ईमेल आईडी क्या है? जैक जैक डैनियल 6182। हाँ ये नहीं है? ये हाँ वो चलेगा जो हाँ ये भी अभी क्या रहा? हाँ वे रही है। इसे भेज दो। इफ टेस्ट फाइल, ठीक है, फाइल जरूर सर बना के भेजिएगा, ठीक है सर। तो कल की क्लास की डिस्कशन करेंगे। ठीक है, हाँ कुछ पूछना है? नहीं कुछ ठीक, मिलता है कल। हाँ कल कल कितने बजे? 8 बजे। कल मॉर्निंग में मिलेंगे 8 बजे। ओके।